आज वो दिन आ गया है बहनों और भाइयों, आज वो दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए नहीं होगी, गो माता के लिए भी होगी और अन्य पशुओं का भी इलाज करना होगा। तो आप 1962 नंबर घुमाएंगे, ये एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी जहां बीमार गौ माता है। आज वह दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसानों के लिए नहीं होगी बल्कि गौ माता और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी होगी। सीएम श्री चौहान ने 406 चलित पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक, पैरावेट और सहायक सहचालक भी होगा। आपात स्थिति में पशुओं के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर 1962 भी जारी किया गया है। हम गाय का गोबर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। किसान घर में भी अगर गाय रखेगा तो गाय का गोबर खरीद के जो आय है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन एवं 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश भर से पधारे गौ सेवक और गौ रक्षकों पर पुष्प वर्षा कर उनका आत्मीय स्वागत किया। सीएम श्री चौहान ने कहा कि गौवंश का अवैध परिवहन करने पर वाहन राजसात कर लिया जाएगा, हम ये कानून बना रहे हैं। एक हमको व्यवहारिक बनना पड़ेगा। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में हमने गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हमने किया है। अवैध परिवहन कोई करेगा तो अब उसका वाहन राजसात कर लिया जाएगा, ये कानून हम बना रहे हैं।